सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट की बैठक आज सुबह 11 बजे मंत्रालय में होनी है और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार कैबिनेट की बैठकों में ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं और आज सुबह 11 बजे मंत्रालय में होने वाली बैठक में भी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। मिल रही जानकारी के अनुसार सुबह 11 बजे कैबिनेट की ये बैठक होनी है प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में और मंत्रालय में होने वाले इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। मध्य प्रदेश में विकास के जिन कामों को लेकर लगातार प्रयासरत सरकार, उन कामों में आ रही बाधाओं को दूर करने और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाने के लिए आज कैबिनेट की 11 बजे बैठक होने वाली है। इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अध्यक्षता करेंगे और उनके कैबिनेट के सहयोगी मौजूद रहेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में साय कैबिनेट की आज बैठक होगी और सीएम हाउस में ये बैठक बुलाई गई है। पहली बार सीएम हाउस में बैठक हो रही है और कैबिनेट की बैठक के बारे में और जानकारी यदि आपको दे तो कई महत्वपूर्ण फैसले आज कैबिनेट की बैठक में लिए जाने हैं। दरअसल यहां पर डीए रेडी टू ईट के संचालन पर मुहर लग सकती है। खाद बीज के विषयों पर भी चर्चा होगी और बड़ा फैसला लिया जा सकता है। प्रदेश की सरकार निर्णय लेगी आज कई महत्वपूर्ण। इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री विश्वदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, अरुण साव मौजूद रहेंगे और सीएम हाउस में पहली बार अपनी तरह की ये पहली बैठक बुलाई गई है। नीट परीक्षा और नर्सिंग घोटाला मामले को कांग्रेस लगातार उठा रही है और इस विषय को लेकर आज प्रदर्शन करने की तैयारी में। छतरपुर में आज प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की अगुवाई में कलेक्ट्रेट ऑफिस के घेराव की तैयारी है कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस के घेराव और प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हुए हैं और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की अगुवाई में यह प्रदर्शन होगा छतरपुर में, जहां काफी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना और ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर तैयारी कर ली गई है। आज छतरपुर में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की अगुवाई में कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव कांग्रेस करने जा रही है। कांग्रेस के इस घेराव के दौरान कई कार्यकर्ता कांग्रेस के यहां मौजूद रहेंगे। खुद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी इस प्रदर्शन की अगुवाई करने के लिए छतरपुर पहुंचेंगे और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम प्रशासनिक स्तर पर किए गए हैं। जीतू पटवारी की अगुवाई में होने वाले इस प्रदर्शन में जो विषय है वो नर्सिंग घोटाले का उठाया जाएगा और इससे पहले हमने देखा था बीते रोज इंदौर में प्रदर्शन हुआ था, जहां पर प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन तक का इस्तेमाल करना पड़ा और उस दौरान पुलिस कर्मचारी सुरक्षा में लगे और उस खबर को कवर करने के लिए पहुंचे पत्रकारों को भी वाटर कैनन की चोट लगी थी। बहरहाल आज नर्सिंग घोटाला मामले को लेकर प्रदर्शन छतरपुर में होना है कांग्रेस का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों प्रदेश में औद्योगिक विकास को लेकर कड़ी मेहनत कर रहे हैं और इसी सिलसिले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज और कल 2 दिन के बेंगलुरु के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रदेश में निवेश के लिए उद्योगपतियों से चर्चा कर उन्हें आमंत्रित करेंगे और इसके साथ ही आईटी सेक्टर में निवेश के अवसरों पर 8 अगस्त को इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन किया गया है। बेंगलुरु दौरे के दौरान सीएम का एमआई पर फोकस होगा और मध्य प्रदेश में छोटा भीम जैसे कार्टून्स बनाने के लिए एनिमेशन वीएफएक्स सेक्टर को सरकार प्रमोट करेगी और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में डेटा सेंटर लाने की भी तैयारी हो रही है। इंटरैक्टिव सेशंस में सीएम उद्योगपतियों को राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे और बता दें कि मिनरल ऑप्शन को लेकर मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर पहला पुरस्कार भी मिला हुआ है और इसके लिए मध्य प्रदेश लगातार काम भी कर रहा है। और अब बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश से जान बचाकर भागी शेख हसीना की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका ने शेख हसीना का वीजा रद्द कर दिया है और अमेरिका का यह कहना है कि शेख हसीना का अमेरिका में स्वागत नहीं है। वहीं ब्रिटेन ने भी शेख हसीना को शरण देने से इनकार कर दिया। फिनलैंड में राजनीतिक शरण लेने की खबरों का भी फिनलैंड ने खंडन कर दिया है। फिलहाल शेख हसीना भारत में मौजूद हैं और शेख हसीना का भारत में ज्यादा दिन रहना राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से उचित नहीं है। आपको बता दें कि शेख हसीना की मुश्किलें यहां पर बढ़ती नजर आ रही हैं और ऐसे में
अब वो कहां जाएंगी ये भी एक बड़ा प्रश्न है। बहरहाल शेख हसीना के लिए परेशानी है ही, और परेशानी उन देशों के लिए भी हो सकती है जहां वो रह रही है, और क्योंकि ढाका से शेख हसीना के लिए संबंध बिगाड़ना ठीक नहीं होगा। और सिंगरौली में पैर फिसलने से नदी में एक बच्ची गिर गई, नदी में डूबने से 10 साल की बच्ची की मौत हो गई। एसडीआरएफ ने बच्ची का शव नदी से बरामद कर लिया है, और बरसात में उफनाई घामड़ नदी को देखने के लिए बच्ची गई हुई थी। सराय पुलिस थाने के वरका चौकी क्षेत्र का यह पूरा मामला है जहां एक 10 साल की बच्ची नदी में डूब गई और नदी को देखने के लिए गई हुई थी उफनाई नदी। एसडीआरएफ ने बच्ची के शव को बरामद कर लिया है। एक दुखद हादसा, बरसात में उफनाई नदियों को देखने का यह परिणाम। और सभी दर्शकों से अपील है कि इस वक्त जिस तरह से बरसात के समय में बरसाती नाले, नदियां, डैम सभी उफान पर हैं, तो सावधानी बरतें, इनसे दूर रहें, और बड़ी दुर्घटना से आप बच सकते हैं अगर आप सावधान रहते हैं। हरीश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। हरीश, कब की ये दुर्घटना है और क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है? बिल्कुल आशीष, इस तरीके से कल ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, उसके बाद से उस इलाके में पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि सनसनी फैली हुई है, क्योंकि 10 साल की मासूम बच्ची थी और नदी किनारे घूमने गई हुई थी, जहां नदी किनारे सिर्फ और सिर्फ घूमने अपने सहेलियों के साथ गई हुई थी, पानी को देखने के कैसा बहाव है नदी में, जहां उसका पैर फिसल जाने की वजह से वो नदी में समा गई और देखते ही देखते यानी एक पानी के तेज बहाव में 1 किलोमीटर के दायरे में बह के चली गई थी, जहां गहरे पानी में डूब जाने से उसकी मौत हो गई है। हालांकि 4 घंटे से अधिक वक्त तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे जो है तो बाहर निकाला जा सका है, लेकिन जब तक उसको बाहर निकाले तब तक उसकी मौत हो गई थी। हालांकि उसके मौत के बाद से ही उसके परिवारजनों में हड़कंप मचा हुआ था, परिवारजनों का रो रो के भी बुरा हाल था। हालांकि इसके लिए सिंगरौली जिला प्रशासन ने भी यह अलर्ट जारी किया था कि जितने भी नदी नाला उफान पे हैं वहाँ लोग सावधानी बरतें और एहतियातन तौर पर वहाँ न जाएं, और जा भी रहे हैं तो सावधानी खास तौर पर रखें। लेकिन जिस तरीके से बच्ची जो है तो वहाँ नदी किनारे पहुंची हुई थी, और नदी किनारे पहुंचने के बाद जो पानी का तेज बहाव है और नई जो मिट्टी है वहाँ जो फिसलन शुरू हो गई है, उसका पैर फिसल गया, यही कारण है कि वो नदी में समा गई थी जिससे उसकी मौत हो गई। आशीष, बिल्कुल दुखद ये मामला है, और ऐसे में सावधानी बरतें, और जो लोग ये खबर देख रहे हैं निश्चित रूप से उन्हें अब भी चेत जाना चाहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरीश इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और शिवपुरी में 1 साल के बच्ची की हत्या का मामला, जहां बच्ची की हत्या कर एक शख्स फरार हो गया और बच्ची की मां ने FIR दर्ज कराई है थाने में। और दरअसल ये बेंगलुरु में मजदूरी करती थी महिला, आरोपी के साथ शिवपुरी आई हुई थी, और बमौर कला थाने के सुलार खुर्द का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक बच्ची की हत्या करने वाला आरोपी वहां से फरार हो गया और हत्या का आरोप लगा एक शख्स पर, क्योंकि जो महिला है वो बेंगलोर में मजदूरी का काम करती है और आरोपी के साथ वो शिवपुरी आई हुई थी। हालांकि क्या कारण रहा, किस वजह से उसकी हत्या की गई, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। बमौर कला थाने के सुलार खुर्द का ये पूरा मामला। आपकी एक लड़की थी, कितने साल की लड़की थी, खत्म हो गई है? 1 साल की। कहाँ की हो आप? टीकमगढ़। सुलार में कैसे हैं? लो आके ले आए थे हमें, तमा घर है छोड़ दे हम। कौन लेके आया था? नाम है भज्जला, भैया लाल आदिवासी। हाँ। कहाँ से लेके आए थे? बेंगलोर से। बेंगलोर में क्या करती थी? काम कर रहे थे रोड को। अच्छा, सुलार आ गई, फिर क्या हुआ? जाते सब मारा था थे हमें, काट भी की धमकी देते। ये बच्ची खत्म हो गई, इसका क्या, किसने की ये बच्ची खत्म? उसी ने। किसने, नाम क्या है? भज्जला। अशोक अग्रवाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ के उनसे बात करेंगे। अशोक, आखिर क्या है ये पूरा मामला, बच्ची की हत्या का आरोप लग रहा है एक शख्स पर, और क्या कारण पता चल पाए अब तक? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये टीकमगढ़ की रहने वाली ये महिला अपने पति के साथ बेंगलोर में काम कर रही थी, वहीं पर ये बामोर कला का रहने वाला
भैया लाल भी वहाँ पर मजदूरी का काम कर रहा था, वहाँ जो काम सड़क का काम चल रहा था उसमें ये सभी लोग काम कर रहे थे। ये किसी तरह ये भैया लाल इस महिला को बेला पसला करके अपने साथ ले आया था और उसके बाद ये सोलार गांव में अपने साथ रखे हुए था। जो जानकारी पुलिस के द्वारा हमको लगी है उसके अनुसार ये जब बच्चा रात में रोता था तो ये इसको भैया लाल को काफी बुरा लगता था। एक दिन रात को 12 बजे कल की जो घटना है उसमें रात को 12 बजे इसने जब बच्चा रोने लगा तो बच्ची जब रोने लगी तो इसने पहले इसकी माँ को पीटा और उसके बाद में बच्ची का गला दबा करके उसकी हत्या कर दी। पूरी रात ये महिला को डराता रहा कि किसी से शिकायत नहीं करना और सुबह होने पर वो फरार हो गया। उसके बाद ये महिला बच्चे को लेकर थाने पहुंची, तब कहीं जाकर के इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जो भैया लाल नाम का जो हत्यारा है वो अभी फरार बताया जा रहा है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स लेने के लिए संपर्क करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए अशोक। और बैतूल में दुर्घटनाग्रस्त कार से पुलिस को गांजा मिला है। दरअसल कार के बूट स्पेस में और ड्राइवर की सीट के पास ये गांजा बरामद हुआ है। घटनास्थल से कार चालक फरार बताया जा रहा है। फोरलेन पर सापना बांध के पास कार पलटी हुई थी और ये नागपुर से भोपाल खेप ले जाई जा रही थी। बैतूल बाजार थाना पुलिस ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है। और बढ़ते आगे मध्य प्रदेश के सीधी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा सार हुआ, जहां सोन नदी के टापू में फंसे मवेशियों का रेस्क्यू किया गया और 35 मवेशियों का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है। सोन नदी का जलस्तर बढ़ने से यहां पर मवेशी फंस गए थे। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था और इस खबर के दिखाए जाने के 48 घंटे से ज्यादा समय तक फंसे रहे मवेशियों का रेस्क्यू किया गया। और देखिए क्रेन से किस तरह रेस्क्यू किया गया है। सोन नदी के टापू में ये सभी मवेशी फंस गए थे और गौवंश जिन्हें क्रेन की मदद से निकाला गया है। 35 मवेशियों का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया और इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था, क्योंकि 48 घंटे से ज्यादा का समय हो गया था और ज्यादा समय तक अगर ये टापू पर फंसे रहते तो कुछ खाने पीने के लिए ना मिलने पर, हालांकि पानी तो बहुतायत में है लेकिन इस पानी में ये बह सकते थे। पानी का बहाव चूंकि बढ़ रहा है और मवेशियों का रेस्क्यू करने के लिए बाकायदा क्रेन ले जाई गई और उन्हें उचित स्थान तक पहुंचा दिया गया जहां से खाने पीने तक उनकी पहुंच बन सके। और बढ़ते आगे रायपुर से अगली खबर। रायपुर के छत्तीसगढ़ कॉलेज में एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में जमकर बवाल हुआ। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को जमकर लात घूंसे और थप्पड़ मारे। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनसे धक्का मुक्की भी की गई और किसी तरह पुलिस ने मामला शांत कराया। बताया जा रहा है कि सारा विवाद रैगिंग से जुड़ा हुआ है और कॉलेजेस में रैगिंग पूरी तरह से गैर कानूनी है और रैगिंग से जुड़ा ही ये पूरा मामला है। विवाद में नारेबाजी हुई और उसके बाद बीच बचाव करने की कोशिश की गई स्थानीय प्रशासन द्वारा। रायपुर से पूरा मामला सामने आया। छत्तीसगढ़ कॉलेज में जमकर बवाल हुआ। एबीवीपी जो कि भारतीय जनता पार्टी की छात्र इकाई है, एनएसयूआई जो कि कांग्रेस की छात्र इकाई है, इन दोनों के नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली। ये देखिए किस तरह से हाथापाई कर रहे हैं। हालांकि पुलिस के कर्मचारी बीच बचाव करते यहां पर नजर आए लेकिन ये विवाद जो शुरू हुआ तो थमने का नाम नहीं ले रहा था। रैगिंग से जुड़ा ये पूरा विवाद बताया जा रहा है और धक्का मुक्की भी यहाँ पर पुलिस कर्मचारियों के साथ की गई और इस तस्वीर में देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का माहौल वहाँ पर उस वक्त था जहाँ एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर हाथापाई करते नजर आए। और ये देखिए किस तरह से यहाँ धक्का मुक्की भी हो रही है। बीच बचाव करने की कोशिश पुलिस के कर्मचारी कर रहे हैं और काफ़ी देर तक कॉलेज का माहौल इसी तरह से ख़राब रहा और अन्य जो छात्र यहां पढ़ने के लिए आए हुए थे उनमें भी एक पैनिक फैल गया और हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया। और भोपाल से अगली खबर, जहां राजधानी में श्यामला हिल्स पर एक शख्स का शव मिला है। आपको बता दें कि कल रात से यह शख्स लापता बताया जा रहा था और परिजनों का उसके साथियों पर हत्या किए जाने का आरोप है। दरअसल इस शख्स के सिर पर और पेट पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और
इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हत्या का कारण और उसका मोटिव क्या कुछ हो सकता है। बहरहाल कल रात से लापता शख्स का शव बरामद हुआ है श्यामला हिल्स से, जहां पर पुलिस और FSL की टीम मौके पर जांच पड़ताल कर रही है। थाना श्यामला क्षेत्र अंतर्गत अपर लेक के ऊपर पहाड़ी के साइड में एक 25 वर्षीय लड़के की बॉडी मिली है, जो हमारे अभी तक के प्रारंभिक जानकारी लेने पर ये सरफराज है और निवासी थाना टीला जमालपुरा क्षेत्र का है इसकी बॉडी। और खबर ग्वालियर से, जहां रेस्टोरेंट में स्टाफ और शख्स के बीच विवाद हो गया। दरअसल बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंचे यहां कुछ युवकों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया और इन युवकों ने रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ की और रेस्टोरेंट स्टाफ के बीच ये इनके साथ मारपीट भी हुई और पुलिस ने इसमें दो युवकों को हिरासत में लिया, जिसका एक देखिए वीडियो भी इस दौरान का सामने आया, जहां पर बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंचे युवकों ने जमकर उत्पात मचाया और इस दौरान रेस्टोरेंट के स्टाफ और अन्य लोगों के साथ जो यहां बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंचे थे उनके साथ हाथापाई हुई, मारपीट हुई और तोड़फोड़ की गई। हालांकि दो युवकों को बाद में हिरासत में ले लिया गया। ग्वालियर से ये पूरा मामला सामने आया, जहां युवकों और स्टाफ के बीच मारपीट हुई है। ये ग्वालियर से पूरा मामला सामने आया, रेस्टोरेंट और स्टाफ संचालकों के बीच विवाद बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान हुआ और फिर उसके बाद हाथापाई तक बात पहुंच गई और जमकर मारपीट भी। हालांकि पुलिस ने दो युवकों को, आरोपियों को हिरासत में लिया है। और ग्वालियर के बिजौली गांव में एक शख्स के साथ लूट की वारदात की खबर सामने आई, जहां युवक के हाथ पांव बांधकर उसके साथ जो वो 32 भेड़ बकरियां लेकर जा रहा था, लुटेरों ने उन भेड़ बकरियों को लूट लिया। दरअसल युवक अपने घर के बाहर टीन शेड की अंदर भेड़ बकरियों की रखवाली कर रहा था और वहां सो रहा था, बताया जा रहा है। अभी इस दौरान बदमाश वहां पर आ धमके और उसके साथ मारपीट की, उसके हाथ पांव बांध दिए और भेड़ बकरियों को लेकर फरार हो गए। शिकायत के बाद पहुंची पुलिस लूट का मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश में जुट गई है। ग्वालियर से ही पूरा मामला सामने आया, जहां टीन शेड में सो रहे शख्स के साथ मारपीट कर उसकी भेड़ बकरियों को लूट लिया गया। और खंडवा में 9 स्कूल्स पर जुर्माना लगाया गया, जहां फीस को लेकर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना इन पर लगाया गया। दरअसल 10% से ज्यादा फीस बढ़ाए जाने पर कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने एक नोटिस जारी किया और संतोषजनक जवाब न मिलने पर जुर्माना लगाया गया है। खंडवा से ये पूरा मामला सामने आया। तो इस फीस वृद्धि के मामले की अगर खबर और भी स्कूल संचालक देख रहे हैं तो सावधान हो जाएं। अगर आपके भी स्कूल में इस तरह अतिरिक्त फीस वसूली जा रही है तो जुर्माना आपको भी भरना पड़ सकता है। अभिभावकों के लिए जो शिक्षा विभाग ने, केंद्र राज्य की सरकार ने प्रावधान किए हैं, उनका ख्याल रखना जरूरी है। प्रदेश में जबलपुर के बाद खंडवा में निजी स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 10% से अधिक फीस वसूलने वाले 9 स्कूलों पर कार्रवाई हुई है। ये पूरी कार्रवाई क्या कुछ है, यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी PS सोलंकी हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं। सर, क्या कार्रवाई हुई है? खंडवा जिले में 9 शालाएं जो थी, अशासकीय शालाएं, जिन्होंने 10% अधिक फीस वृद्धि की गई थी, जिन सभी 9 स्कूलों को जो है संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने के कारण जो है 1-1 लाख रुपए का दंड से उसको आरोप मतलब शास्ति प्रस्तुत की गई है और साथ में 10% से जो अधिक फीस वृद्धि थी उसको पालकों को वापस लौटाने के निर्देश दिए गए हैं। किस तरह से ये प्रक्रिया चली सर? इसमें हमने जिले के सभी स्कूलों से फीस वृद्धि की जानकारी बुलाई थी, जिसमें 9 स्कूलों की जो जानकारी जो प्राप्त हुई थी उसमें 10% अधिक फीस वृद्धि पाई गई थी, जिसके लिए हमने जांच समिति भी बैठाई थी। जांच समिति ने यह पाया कि इन्होंने 10% अधिक फीस वृद्धि की गई थी। उक्त प्रकरण हमने जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखा, जहां पर उनके अनुमोदन के उपरांत जो है उनको कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, उनका जवाब उनसे मांगा गया। जवाब प्राप्त होने पर उसका परीक्षण करने पर पाया गया कि उनका जवाब संतोषप्रद नहीं है, इसलिए उन सभी 9 स्कूलों के खिलाफ 1-1 लाख रुपए की जो शास्ति जो है अधिरोपित करते हुए 10% से अधिक फीस वृद्धि की गई है उसको वापस पालकों को लौटाने के निर्देश दिए गए हैं। और सागर में 9 बच्चों की दीवार गिरने की वजह से हुई दर्दनाक मौत के बाद स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और सभी स्कूल्स को अपनी बिल्डिंग के बेहतर रखरखाव और मेंटेनेंस के लिए निर्देश दिए गए हैं। जर्जर बिल्डिंग की खराब स्थिति की, वहां की कक्षा को शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया है, जिनकी स्थिति ज्यादा खराब है। दरअसल पुराना भोपाल स्थित
जहांगीरिया स्कूल की इमारत पुरानी हो जाने की वजह से जर्जर हो चुकी है और यहां जो तस्वीरें सामने आई आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं, और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए इन्हें नोटिस दिया गया है और उचित समय तक उचित प्रावधान करने के लिए निर्देशित किया गया है। जो है नगर निगम को भी पत्र दिया गया है, ओपीडब्ल्यूडी को पत्र दिया गया है, साथ में जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने भी यहाँ निरीक्षण किया था, उनको भी हमने ये पत्र दिए हैं कि भवन की सुरक्षा के लिए मरम्मत कार्य कराया जाए जो कि बच्चों के हित में होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमने पूरा सर्वे करा लिया था, अभी ज्यादा बारिश हुई तो कहीं और भी पानी की प्रॉब्लम्स आई हैं, तो जिन भी कक्षों में ऐसी समस्या है उन कक्षों से बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया और हम उनकी मरम्मत भी करा रहे हैं। सर ऐसे कितने स्कूल चिन्हित हुए हैं? अभी हमारे लगभग 50 के अराउंड स्कूल चिन्हित हुए थे जिसमें कोई कोई कक्ष ऐसे प्रॉब्लम्स थे उसको हमने शिफ्ट कर दिया। और राजधानी रायपुर में बांग्लादेश का एक विमान पिछले 9 साल से खड़ा हुआ है। ये वो विमान है जो 7 अगस्त 2015 को ढाका से मस्कट जाते समय इंजन में खराबी आ जाने के चलते रायपुर में लैंड कराया गया था और उस वक्त इसमें करीब 173 यात्री सवार थे। आपको बता दें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कई बार बांग्लादेशी विमान प्रबंधन को पत्र लिखा पर कोई जवाब नहीं मिला। अब तक इस विमान का 4 करोड़ से भी ज्यादा पार्किंग बकाया है। देश में हिंसा और तख्ता पलट की चर्चा पूरे देश में है, वहीं छत्तीसगढ़ में चर्चा उस विमान की है जो रायपुर के एयरपोर्ट में लंबे समय से खड़ी है। आप सीधे तौर पर जो तस्वीर देख रहे हैं वह एक बांग्लादेशी विमान है, यह पिछले 9 वर्षों से जो है रायपुर एयरपोर्ट में खड़ा हुआ है। बता दें 7 अगस्त 2015 को 173 यात्रियों को लेकर यह ढाका से मस्कट जाने के लिए उड़ा था, लेकिन इंजन में खराबी आने की वजह से रायपुर एयरपोर्ट में इसकी आपात लैंडिंग कराई गई है। तब से यह लगातार एयरपोर्ट में खड़ा हुआ है। इसके लिए रायपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बांग्लादेश के विमान अथॉरिटी को पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक के किसी तरीके से जवाब नहीं आया। बताया जा रहा है कि इसको खड़े करने के लिए बकाया जो शुल्क है वो 4 करोड़ से अधिक हो गया है। ऐसे में बांग्लादेश प्रबंधन द्वारा अभी तक के जवाब नहीं आना, कई सवाल खड़े हो रहे हैं और प्रश्न इस बात पर भी लग रहे हैं कि इस विमान का आखिर अब होगा क्या। कैमरामैन राजेंद्र के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर छत्तीसगढ़। और दुनिया में जेम्स क्वालिटी के हीरों के लिए विख्यात पन्ना में एक किसान की किस्मत फिर चमकी और उसे फिर हीरा मिला। इस किसान और उसके दोस्तों की किस्मत एक नहीं बल्कि कई बार चमक चुकी है। किसान दिलीप मिस्त्री और उसके 3 अन्य साथियों को एक बार फिर 16 कैरेट 10 सेंट का एक जेम्स क्वालिटी का हीरा मिला है जिसकी अनुमानित कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है। और किसान और उसके पार्टनर्स ने हीरे को हीरा कार्यालय में जमा करा दिया जिसे आगामी नीलामी में रखा जाएगा। हीरा प्राप्त हुआ है जिसका वजन 16 कैरेट 10 सेंट है। हीरा प्राप्त दिलीप कुमार मिस्त्री को हुआ है जो करीबन 2020 के बाद से कोरोना के पीरियड के बाद से हीरे का काम कर रहे थे। ये 4 पार्टनर हैं, पूर्व में भी इनके पार्टनर को हीरा प्राप्त हुआ है जो कार्यालय में जमा है। और पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट ने ओलंपिक में एक मेडल और पक्का कर दिया। फाइनल्स में पहुंची विनेश फोगाट, कुश्ती 50 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल्स में पहुंच चुकी विनेश, चूंकि क्यूबा की पहलवान को उन्होंने हराया और उसके बाद गुरुवार को विनेश फोगाट का फाइनल मुकाबला होगा। ओलंपिक्स में पहली बार महिला पहलवान फाइनल्स में पहुंची है। ओलंपिक के फाइनल्स में पहुंची विनेश फोगाट और फाइनल्स में विनेश फोगाट 50 किलोग्राम भार वर्ग के कुश्ती कैटेगरी में खेलेंगी और ओलंपिक मेडल उन्होंने पक्का कर लिया है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।